पंचायत चुनाव को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी कि पंचायत चुनाव 2021 अब होना बिल्कुल तय हो गई है। यानी कि आप भी अपनी तैयारी को तेज रखें, कछुए की तरह नहीं बल्कि खरगोश की तरह अपना मतदान के लिए, उम्मीदवारी के लिए आप अपना मतदाताओं के बीच आना जाना, अपना विचार रखना शुरू कर दीजिए। तो अब पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। नमस्कार, और मैं आपके साथ हूं सुनील गो। आप हमेशा हमारे चैनल को प्यार दुलार देते आए हैं, लेकिन 70% हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो भाई या बहनों से कहना चाहेंगे कि ऐसा न करें, सबसे पहले हमारी सदस्यता संख्या बढ़ाएं, यानी कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे एक लाल रंग का अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे टच करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस तरह से कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद रहे, पूर्ण विश्वास है कि आप आज ही इस वीडियो के साथ ही बीच में ही आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अब कह सकते हैं कि 2021 में ही चुनाव संभव होगा। हर तरह की तैयारी को की जा रही है, अंतिम चरण में तैयारी है। यह बताते यह कर्मचारियों के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट खबर है, और उम्मीदवारों के लिए भी प्रमुख खबर कह सकते हैं। कहेंगे कि पंचायत चुनाव में एक बूथ पर कितने मतदान कर्मी रहेंगे, तो मतदान प्रत्येक मतदान केंद्र पर 6 मतदान कर्मी जो हैं उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4-4 ईवीएम मशीन होगा और 2 मतपेटियों का व्यवस्था होगी। प्रत्येक प्रखंड के मतगणना केंद्रों पर 5 हॉल में होगी मतगणना। यानी कि यह कन्फर्म है कि इस बार पंचायत में पंचायत चुनाव के बाद मतगणना की तैयारी प्रखंड मुख्यालय में भी होगी, यह व्यवस्था। लेकिन वहां पर 4 से 5 हॉल कर सकते हैं, 5 हॉलों में इसकी तैयारी होगी। दूसरी बात, 27 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच 10 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव लाया गया है। इधर ईवीएम के पहले चरण की जांच 20 अगस्त तक करने की बात की जा रही है, यानी कि आप जो दूसरे राज्यों से ईवीएम मशीन मंगाया गया है उसे 20 अगस्त तक पहली जांच पूरी कर ले, वार कोडिंग भी कर ले। तो प्रत्येक जिलों में ईवीएम का वार कोडिंग जो है होना शुरू हो गया है। तो आपने समझा अभी तक कि आखिर मतगणना जो है वह कहाँ होगा, तो मतगणना जो है इस बार प्रखंड मुख्यालय में होंगे और 5 कमरों में कम से कम होंगे। तो और कराना चुनाव कब से कब प्रस्ताव लाया गया है, तो 27 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के बीच 10 चरणों में चुनाव कराने की बात हो रही है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि किनका ईवीएम से होगा और किनका मतपत्र से होगा पहले, लेकिन इस बार भी मैं रिपीट कर दूं, 4 पदों के लिए ईवीएम से चुनाव होंगे और 2 पदों के लिए मतपत्र से होंगे। मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद। मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के लिए ईवीएम से चुनाव होंगे, और मुखिया सरपंच साहब और पंच के लिए मतपत्र से चुनाव होंगे। तो दोस्तों आप यह जरूर जान लें कि आपको 27 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच चुनाव को संपन्न करा लेना है, और 3 नवंबर तक सभी को उनका प्रमाण पत्र देकर नए तौर पर गठन भी करने का प्लानिंग है। यानी कि मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि अगस्त से अक्टूबर, नवंबर कह सकते हैं कि नवंबर तक तमाम चीजों को, नवंबर में नए प्रतिनिधियों का गठन हो जाएगा, नए प्रतिनिधि आपके सामने आ जाएंगे, आप चुन सकते हैं, आप भी प्रतिनिधि बन सकते हैं, किसी पंचायत के मुखिया बन सकते हैं, किसी वार्ड के वार्ड सदस्य बन सकते हैं, किसी जिले का जिला परिषद क्षेत्र का जिला परिषद अध्यक्ष बन सकते हैं, जिला परिषद सदस्य बन सकते हैं, किसी जिला का जिला अध्यक्ष बन सकते हैं और किसी पंचायत का सरपंच बन सकते हैं नवंबर में। लेकिन प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, अंतिम चरण में उल्टी गिनती जो है अब शुरू हो चुकी है। अब देखिए जिलों में जो है बिहार के 3800 जिले में जो है ईवीएम मशीन आ चुका है, और राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि 20 अगस्त तक उन्हें पहली
जांच को एकदम क्लियर कर लेना है कि उसमें क्या कमी है या क्या सुधारने की जरूरत है, फिर उसके बाद में हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। इस आदेश के बाद असक्रियता बढ़ गई है, कई जिलों में इसकी जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, कई जिलों में भी जांच की प्रक्रिया चल रही है। 20 तक क्लियर करके रिपोर्ट दे देना है, लंबा समय है लेकिन उसमें भी कई काम लगते हैं। बार कोडिंग का काम कई जिलों में शुरू हो चुका है, यानी कि ईवीएम में बार कोड जो मिलता है उसको लाने की जो शुरुआत है वो कर दी गई है, जिला मुख्यालय में की जा रही है। और उससे संबंधित जो भी है ट्रेनिंग का सिलसिला, मास्टर ट्रेनों का सिलसिला प्रशिक्षण देने का जारी है, उसके बाद अन्य मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण मिलेगा। इस बार 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 6-6 मतदान कर्मी प्रत्येक बूथ पर होंगे। ऐसा क्योंकि 4 ईवीएम मशीन और 2 मतपेटी रहेंगे, तो आखिर उसको संचालित करने वाला तो चाहिए, तो उसके संचालित करने के लिए और 2 बढ़ा दिए गए हैं, जो कंट्रोल यूनिट के पास में 1-1, 2 लेकर 1 व्यक्ति बैठेंगे और 2 लेकर 1 व्यक्ति बैठेंगे कंट्रोल यूनिट को, ताकि बटन दबाने में लाइन देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अन्य कर्मी जैसे काम किया करते थे, यानी कि P1, P2 और P3 वह उस तरह के काम करते रहेंगे, स्याही लगाते रहेंगे, एक पर्चा काट कर देंगे, एक मिलान करेंगे और 2 का काम रहेगा बटन दबाना। 2-2 मशीन उनके हाथ में मिलेगा, मतपत्र P1 P2 के पास में रहेगा, तो इस तरह से उनका चलेगा। प्रेजाइडिंग साहब जो है वह अपना काम कागज पत्र संभालने में, उनको बनाने में काजरे का काम तो बढ़ेगी। कर्मचारियों की संख्या भी इस बार बढ़ जा रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार 1 कर्मचारी को 2 या 3 जगहों पर मतदान कराना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार कर्मचारियों की संख्या 2 बढ़ रही है। तो 2 बढ़ने का मतलब अगर एक जिले में चाहे एक प्रखंड में कह सकते हैं कि 200 मतदान केंद्र बनता है, तो 2-2 = 400 मतदान कर्मी और बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में आपको जो कर्मचारी हैं उनको कम से कम 1 नहीं तो 2 तो जरूर, 2 नहीं तो 3 जरूर, इस तरह से 2-3-4 तक करवाना पड़ता है, 2 तो जरूर करवाना पड़ेगा क्योंकि संख्या उनका ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो निश्चित तौर पर 10 चरणों में चुनाव होगा और 27 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच तमाम चुनावों को कराने की बात कही गई है, और नवंबर में उन प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधित्व को घोषित कर दिया जाएगा, उनको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और नए प्रतिनिधि, नए पंचायत का गठन भी हो जाएगा, नए प्रतिनिधि आपको मिल जाएंगे और फिर पंचायतों का विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। जैसा आप जानते हैं पंचायत में मुखिया, वार्ड सदस्य की भूमिका, जिला स्तर क्षेत्र पर जिला परिषद की संख्या और न्याय कार्य के लिए सरपंच साहब की संख्या बरकरार होती है। यानी वीडियो लंबी नहीं हो तो मुख्य तौर पर हम आपको बता देते हैं कि चुनाव 10 चरणों में होगी और 27 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच चुनाव होगा और नवंबर में आपकी नई सरकार पंचायत की, गांव की सरकार बन जाएगी। गांव की सरकार नवंबर माह में बनना अब कन्फर्म हो गया है, उल्टी गिनती शुरू। अब चुनाव के लिए आप दम कमर कसकर क्षेत्र में आ जाइए। हमारे व्यूअर्स चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कमर कसकर जल्दी से जल्दी आज इसे काम में लग जाइए, चुनाव आपके लिए कंफर्म है और जीत भी आपका कंफर्म होगा। आप अपने विचारों को मतदाताओं के बीच केवल रखने का काम करें। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।